हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। देसी ट्रैवल जोन के नए ट्रैवल सीरीज में आपका स्वागत है। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे मेरा हांगकांग का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा ये ट्रिप था कोलकाता टू हांगकांग टू मकाऊ टू हनोई टू बैंकॉक टू फुकेट टू कोलकाता, बट वीज़ा रिजेक्ट होने की वजह से इस बार हांगकांग और मकाऊ नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जापान का वीज़ा लेकर चलेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ हनोई। अब मेरे हनोई जाने के दो रीज़न हैं। पहला तो मेरी आइटनरी में हनोई भी था और दूसरा मैं आपको हनोई पहुँच कर बताऊँगा। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, फटाफट से मैं बोर्डिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। 9:50 को अपनी फ्लाइट है। गाइस, इमिग्रेशन कंप्लीट कर लिया है और कहा जाए तो सबसे ईजिएस्ट इमिग्रेशन अभी तक का मेरा रहा है। एक भी सवाल उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। मैंने बस पासपोर्ट दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, कुछ भी नहीं, बस स्टैम्प करके अंदर जाने दिया। अपना बोर्डिंग पास मिल गया है, फटाफट से हमें गेट नंबर 15 पर पहुँचना है। ढाई घंटे की जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए हनोई, जो कि वियतनाम का कैपिटल भी है। भाई, इमिग्रेशन क्लियर हो गया और तुम्हारा भाई यार जंग जीत के आ गया। ना ना, इमिग्रेशन के लिए नहीं, इमिग्रेशन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा इमिग्रेशन हुआ है कि मैंने सिर्फ पासपोर्ट बढ़ाया इमिग्रेशन ऑफिसर को और उसने मुझसे ना ही वीज़ा पूछा, ना ही रिटर्न टिकट पूछा, कुछ भी नहीं, एक सवाल नहीं। जस्ट मैंने पासपोर्ट बढ़ाया, 10 सेकंड में उसने पासपोर्ट पर स्टैंप लगा के मुझे दे दिया। अब जंग कहाँ जीत के आया हूँ। सबसे बड़ी यार प्रॉब्लम है, यहाँ आने के बाद जब मुझे टॉयलेट जाना था, टॉयलेट गया तो अंदर पानी अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर कोई भी शॉप खुली हुई नहीं है जहाँ एटलीस्ट आप एक बॉटल खरीद के पानी भर के जा सकते हैं। लास्टली बहुत ही मुश्किल से मैंने इधर उधर देखा, पूछा, एक काउंटर पे पूछा, इन्फॉर्मेशन डेस्क था वहाँ से भी नहीं मिला। फिर लास्ट में एक क्लीनर से मुझे एक बॉटल मिल गया, फिर बॉटल लेके मैं गया टॉयलेट यूज़ किया। तो आप भी अगर वियतनाम आते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि टॉयलेट में हो सकता है कि पानी अवेलेबल नहीं हो। और क्या है कि हम इंडियंस को तो आदत है नहीं कि भाई टिश्यू रगड़ के हम चल देंगे, तो हमें तो पानी ज़रूरी होता है। तो खैर चलिए चलते हैं। सारे एक्सचेंज बंद हैं, अभी रात के 2 बज रहे हैं। रात के 2 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं हनोई और सारे एक्सचेंजेस बंद हैं यहाँ पर। ATM विड्रॉल किया है, पता नहीं चार्जेस कितने कटे हैं क्योंकि अभी इंटरनेट तो है नहीं, तो मोबाइल में तो कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन 90,000 VND जो डोंग है यहाँ का, वो चार्जेस लगे हैं। अपने हाथ में देख सकते हैं, ये 5 लाख डोंग का ये करेंसी है और 6 करेंसी मैंने निकाला, यानी 30 लाख डोंग, 3 मिलियन मैंने निकाला है। 10 मिनट से पानी के लिए घूम रहा हूँ। अब यहाँ एक वेंडिंग मशीन दिखी है। नो, आई विल गिव फ्री। नो, एयरपोर्ट पे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, कहीं कोई भी आदमी नहीं है, एकदम खाली है। एक ड्राइवर किसी तरह तैयार हुआ है, 3 लाख स्ट्रॉन्ग ये लेगा, देखते हैं। मैड मंकी हॉस्टल, फाइन, 300,000, ओके, या फाइन। सो गाइस, 300,000 दे रहा हूँ मैं। तो VND को अगर आप इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्स 900-950 के करीब आएगा। तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रात का वक्त है भाई, तो क्या कर सकते हैं, इतना तो देना ही पड़ेगा। 30 किलोमीटर की जर्नी है और बहुत टाइम है अपने पास, अभी 1 घंटा लगेगा अप्रॉक्स पहुंचने में। तो मैंने सोचा फटाफट से आपको वीज़ा की इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। वीज़ा के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां यहां की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाइए। वहां पर बहुत ही सिंपल सा फॉर्म होता है, एक पेज में आपको फॉर्म भरना है, जो डिटेल्स होते हैं बेसिक डिटेल्स, नाम, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको, इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी होती है। और भरने के बाद आप जब कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, तो वो आपका पेमेंट पेज होगा और 25 USD जो वीज़ा चार्जेस है वियतनाम का। अगर इंडियन मनी में आप कन्वर्ट करेंगे तो 2150 अप्रॉक्स ये चार्जेस लगेंगे। और उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो थर्ड पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिख कर आएगा कि योर वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ एक्सेप्टेड। उसके बाद 3 से 4 दिन लगेंगे, वर्किंग डेज होते हैं ये, संडे या हॉलीडे को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं,
तीन से चार वर्किंग डे में आपको आपके मेल पर वीजा आ जाएगा। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई भी आराम से वीजा निकाल सकता है और एक्सेप्टेंस बहुत ही बेहतर है, हांगकांग की तरह वैसा आपका रिजेक्ट नहीं होगा। अब मैं आपको सेकेंड रीजन अपना बता देता हूँ हनोई आने का। यहाँ से नजदीक में लगभग 2 घंटे की दूरी पर है हलोंग बे। ये एक यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है और आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, बहुत छोटे छोटे पहाड़ और बीच में समंदर, लाइमस्टोन के बहुत सारे माउंटेन्स छोटे छोटे वो है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। और वंस इन अ लाइफ टाइम अगर आप वियतनाम आते हैं तो आप हलोंग बे ज़रूर जाना चाहेंगे। तो यही रीज़न था कि फर्स्ट टाइम तो मेरा नॉर्थ वियतनाम एक्सप्लोर मैं कर नहीं पाया था, तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि चलो हांगकांग से रिटर्न आएंगे तो फिर यहाँ वियतनाम में हलोंग बे ट्रिप करते हुए जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ सेकेंड ट्रिप मैंने अपना बनाया है वियतनाम का। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं हॉस्टल के पास में, तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी नेक्स्ट 2 दिन के बाद हम हलोंग बे जाएंगे और वहाँ के वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर बहुत सारी कुछ प्लानिंग्स करके मैंने रखी हैं कि यहाँ क्या क्या करना है, एक्सप्लोर क्या क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।